हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कल्पनास डायरी। और आज से मैं शुरू करने वाली हूँ खुद से करो की एक सीरीज़, DIY सीरीज़। इसमें मैं आपको एपिसोड वाइज बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस लॉकडाउन में अपने घर में चेंजेस किए हैं, कुछ नई चीज़ें बनाई हैं और वो मैं अब सीक्वेंस वाइज आपको एपिसोड वाइज शेयर करूंगी आपके साथ। और आज जो मैं पहला आपके साथ चीज़ जो शेयर कर रही हूँ वो है सोफ़ा, ओल्ड सोफ़े का मेकओवर। किस तरह से आप एक अपने पुराने सोफ़े को थोड़ी सी चेंज करके, और ये जो चेंज है आप विदिन 5 to 10 मिनट्स में करके एक पूरा ही न्यू लुक अपने सोफ़े को दे सकते हैं। तो इस सीरीज़ का जो पहला पार्ट है वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी तरह सीक्वेंस में मेरे आने वाले आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे वो इसी सीरीज़ के पार्ट्स रहेंगे, जिसमें डिफरेंट मैंने लैम्प्स बनाए हैं, कुछ पेंटिंग्स की हैं, कुछ मैंने वॉल पेंटिंग की है। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैंने खुद से ट्राई किया है और बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हो सकता है कि आपको भी उसमें टिप्स मिले कि आप भी अगर चाहें तो उसको अपने घर में इम्प्रोवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को हिट कीजिएगा। तो चलिए आज इस सीरीज़ का पहला पार्ट का पहला चीज़ शुरू करते हैं सोफ़ा मेकओवर से। मैं आपको स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये ओल्ड सोफ़ा है और ये उसका मेकओवर करके न्यू सोफ़ा है। इन दोनों में देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो थोड़ा सा विदिन 5 to 10 मिनट्स निकाल कर घर की ही चीज़ों से ही आप उसको मेकओवर कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार से कोई भी चीज़ें लेने के लिए। जो भी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका अगर वो चीज़ें घर पे नहीं अवेलेबल हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी जो कि आप मंगा सकते हैं। मैंने इस सोफ़ा मेकओवर के लिए ओल्ड बेडशीट ली है और एक स्टेपलर लिया है जो कि वुड या फिर किसी भी ऐसे हार्ड सरफेस पे स्टेपल करने के लिए यूज होता है। ये आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगा और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज। सो फ्रेंड्स, दिस इज द आफ्टर लुक ऑफ द सोफा जो कि मेरा मेकओवर करने के बाद है। और जो छोटा सा पिक मैंने लगाया है वो इसके पहले का है, जो पहले कैसा इसका लुक था। तो आप डिफरेंस अपने आप मेकआउट कर सकते होंगे कि जो पुराना सोफ़ा था वो थोड़ा सा किनारे से फट भी गया था और इसका कलर भी डिसकलर हो गया था। और यूज़ करते करते, क्योंकि ये चीज़ें रिमूवेबल होती नहीं हैं जो बनकर आती हैं और वो हम साफ़ नहीं कर पाते कितना भी वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करें। तो चलिए अब इसका हम शुरू करते हैं। ये डिटैचेबल सोफ़ा है, इसका दोनों जो सीट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, ऊपर का भी और नीचे का। इसलिए ये बहुत कन्वीनियंस हो गया था मेरे लिए कि ये आराम से निकल भी जाता है और इसके ऊपर मैं दूसरा कवर आराम से लगा सकती थी। तो देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। और आप निकालने के बाद इसको मैं कवर जो इसके ऊपर रेड कलर का कवर है उसको मैं नहीं निकालूंगी, वो एज अ बेस काम करेगा मेरे लिए। और जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी वो एक नया कवर होगा। मैंने इसके लिए यूज़ किया है अपना एक पुराना बेडशीट जो कि क्वीन साइज़ का बेडशीट है। और ये एक क्वीन साइज़ के बेडशीट में ये मेरा दोनों ही सोफ़ा कवर हो गया था। तो इसको पहले मैंने नाप साइज़ से नापा है और फिर उसको मैंने कट कर लिया है। मैंने इसको टर्न इसलिए कर दिया है, मतलब दो बीच से इसलिए इसको डिवाइड किया है जिससे कि मेरा एक साथ दोनों जो ऊपर के लिए हैं, क्योंकि दोनों एक ही साइज़ के हैं तो दोनों एक साथ मेरा निकल जाए। और फिर इसको बस जिस तरह गिफ्ट पैक करते हैं उस तरह से ही आपको लगाकर फिर स्टेपल कर देना है, जिससे कि ये थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। और जब आप बैठेंगे तो ये निकलेगा नहीं। और ये बिल्कुल जिस तरह से कि बाज़ार में अगर आप किसी से बुलाकर अगर आप करवाएंगे तो वो भी सेम यही तरीका है, उसी तरह से वो कवर लगाते हैं। जैसे मैंने मेरा ये इसका जो गद्दी थी वो ख़राब नहीं हुई थी, जिसमें फोम लगता है वो ख़राब नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया है। बस इसके ऊपर मैंने कवर चेंज कर दिया क्योंकि कवर इसका किनारे किनारे से फट गया था। और जितना आप नीटली इसको गिफ्ट पैक की तरह से सिक्योर करेंगे, सफाई से करेंगे, उतना ही फिनिश लुक अच्छा आएगा इसका। ये जो स्टेपलर है ये मैं अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने ऑलरेडी एक और सोफ़ा मेकओवर किया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो डिटैचेबल सोफ़ा नहीं था, उसकी जो गद्दियाँ थी वो निकल नहीं सकती थी। वैसे सोफ़े को किस तरह से आप मेकओवर कर सकते हैं वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए मैंने बहुत नीटली इसको टक इन कर दिया है कि कहीं से भी बैठने के बाद भी इसमें निकले नहीं और देखने में भी ये बहुत फिनिश्ड लुक इसका आए। और ये बहुत इजी है, विद इन 5 to 10 मिनट्स आप आराम से इसको जल्दी से कर सकते हैं। आप चाहें तो नया फैब्रिक भी ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आपके पास ऐसा कोई बेडशीट है जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और मतलब थक गए हैं यूज़ करते करते, तो आप उसको यूज़ कीजिए। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत आपका सोफ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। जो कपड़ा आप बेडशीट का ले रहे हैं वो थोड़ा मोटा हो, बहुत मोटा भी नहीं, थोड़ा मोटा हो एकदम। अगर आप पतला लेंगे तो वो नीचे से लुक भी आएगा उसका, और वो बहुत जल्दी ही जैसे बैठने उठने में वो उसमें रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो आपका वो बहुत ड्यूरेबल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो फैब्रिक आप लीजिए, बेडशीट लीजिए या फिर आप कपड़ा खरीद के भी लीजिए, तो वो थोड़ा सा मोटा हो। ये देखिए इस तरह से मैंने अपने नीचे और ऊपर दोनों ही कुशन्स को कवर कर दिया है और पिन करके इसको अच्छे से प्रॉपर सिक्योर कर दिया है। ये पिन बहुत इजीली निकल जाता है, तो अगर आपको कभी वॉश भी करना हो तो ये बस इसके बैक साइड से पिन निकाल कर और आप इसको वॉश करके दोबारा भी लगा सकते हैं। जितना नीट आप करेंगे उतना आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए मैंने अकेले ही इसको पूरा ही कर लिया है, किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आप चाहें तो आप भी अकेले भी कर सकते हैं। ये मेरा पूरा तैयार हो गया है, देखिए कितने अच्छे से ये इसका लुक आ रहा है। और अब मैं ये वापस उसको प्लेस कर दे रही हूँ। देखिए ये हो गया मेरा एक सोफ़ा तैयार, और कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। पहले और अब में देखिए कितना डिफरेंस आ गया है। जस्ट आप अपने घर पे घर की चीज़ों को ही यूज़ करके एक अच्छा मेकओवर अपने सोफ़े को दे सकते हैं। अब मैं दूसरे वाले भी पेयर को इसी तरह से सेम कवर कर लूँगी। और ये देखिए मेरा दूसरा भी तैयार हो गया। बस ये, हाँ अब देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप इसको डिफरेंट कुशन स्टाइल करके और लुक को और इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। प्रिंटेड लेने से एक चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए मैंने इसमें अलग अलग कुशन्स लगाकर इसको खूबसूरत बना दिया है। मैं कह रही थी प्रिंटेड कपड़ा लेने से एक फ़ायदा होगा कि आपको सिमेट्री मेंटेन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। प्लेन शीट या अगर आप प्रिंटेड ले रहे हैं तो दोनों ही चीज़ों में आपका देखिए एक खूबसूरत लुक आ जाता है। आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर